नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक रेसिपी नई शेयर करूंगी। जी हाँ, मुझे जो गिफ्ट मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जी हाँ, अनदर मेमोरी इन माय किचन। तो क्या मुझे मिला है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और ये बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए और मैं बहुत ही खुश हूँ। जी हाँ, देखिए, एक और अनदर मेमोरी इन माय किचन या वंडर शेफ का मुझे एक दूसरा सेट मिला, जो मेरे रेसिपीज़ को और अच्छे से बनाने में मुझे हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि इसमें 4 पीसेस का सेट है ये। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसे। देखिए इसके अंदर आपको दिखाती हूँ। सेम जो हमने पहले वाले में देखा था, इसमें भी एक आपको ये बुक मिला है, रेसिपीज की बुक है, जो कुक बुक है। तो जरूर, मैंने पहले भी बोला था कि मैं इससे रेसिपीज जरूर शेयर करूँगी, तो करूँगी। अभी फिलहाल देखते हैं कि अगले इसमें क्या क्या है। अच्छा, ये एक डोसा तवा है। जी हाँ, देखिए, हर रेसिपीज़ का एक अपना बनाने के यूटेंसिल्स भी होते हैं। और इसका कलर कितना अच्छा है, पहले वाला जो था वो ग्रे कलर ब्लैक कलर का सेट में था, और ये बिल्कुल रेड कलर का है, जो देखने में बड़ा ही, और इसकी जो हैंडल है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट एंड ईजी जो है इसको होल्ड कर पाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ईजी होल्ड हम कर पा रहे हैं। तो ये हमारा डोसा का तवा है। दूसरा, और बहुत अच्छे से जो है इसको बबल रैप में पैक करके दिया हुआ है, तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। जी हाँ, ये एक फ्राई पैन जो है, ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। मुझे इसके कलर बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। उन्हें भी पता है कि अभी ये किचन में यूज़ करने वाली है, तो मुझे ये गिफ्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ्राई पैन, और ये दूसरा एक, और ये दूसरा है जिसकी कैपेसिटी 2.7 लीटर की है। ये दूसरा एक पैन है, तो ये काफ़ी डीप है, तो इसमें आप कढ़ी वगैरह आराम से इजीली बना सकते हैं, या जो पूड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये भी। इसके हैंडल्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छा ये है। इसका कोटिंग वगैरह बिल्कुल शाइनिंग, बिल्कुल बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो वंडर शेफ की फ़ैन हो गई हूँ। गाइज, आप भी अगर अपने किचन में अगर प्लान है कुछ करने का, ख़रीदने का, तो ये वंडर शेफ जरूर लीजिए, सजेस्ट करूँगी। बिकॉज वंडर शेफ सचमुच मैंने इससे पहले एक्चुअली नहीं लिया था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा दूसरा सेट है। तो मैंने अभी जस्ट इसका एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि इसका एक्सपीरियंस मतलब कुकिंग में इट्स अमेजिंग, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। और बस, और इसका एक ही लीड है, मतलब तीन जो है पैन है, और तीनों के लिए एक ही लीड है, ये तीनों पे यूज़ हो जाएगा, सेट करके ही बिल्कुल दिया हुआ है हैंडल। तो आई थिंक ये तीनों के लिए ही है, परफेक्ट साइज़ जो होता है इसके, जो गोलार्ध है जो इसके, उसके लिए तीनों के लिए शायद ये फिट हो जाएगा। तो तीनों ही पैन के लिए कॉमन लिड दिया हुआ है। तो डोसा पैन के लिए तो नहीं चाहिए, बट इसके ऊपर भी अगर कुछ आप फ्राई वगैरह कर सकते हैं तो ये भी ईजी हो जा रहा है, तो डोसा के लिए नहीं चाहिए। लेकिन दो पैन के लिए प्रॉपर दिया हुआ है लिड, तो बहुत ही अच्छा है।
तो फ्रेंड्स आप इंजॉय कीजिए, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी मेरी शुरुआत है, मैं अच्छे से अच्छे और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, आप अपने जो है अनदर किचन मेम्बर्स के साथ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।